अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे जो भी सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म फिल करना चाहते थे कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म जो है कब आएगा, क्योंकि हमने कहा भी था कि जब एएमयू की काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि एएमयू का सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब तक आ सकता है। तो आज की वीडियो में अब यही बताएंगे, क्योंकि आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है तो अब ये बताएंगे कि आपका जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आ सकता है। जो भी बात बताएंगे उसके साथ आपको एक प्रूफ भी देंगे लास्ट ईयर से कंपेयर करके कि लास्ट ईयर कितना टाइम लगा था, और इसी के अकॉर्डिंग इस बार बताएंगे कि इस बार कब तक आ सकता है। तो देखिए, जो भी आपका जितना भी वेरिफिकेशन है, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जो है क्लास 11th का 2022-2023 का, वो कंप्लीट हो रहा है आपका यहाँ पे 23 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे सीट्स जो है कुछ बच जाएंगी, हो सकता है आपकी साइंस में कुछ बच जाए, तो हो सकता है उसके लिए फोर्थ लिस्ट निकालनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है फर्म लिस्ट 3। लेकिन होता ये है कि जब सीट्स बच जाती हैं तो फर्म लिस्ट 4 निकाली जाती है, और उसके फिर भी एडमिशन होता है, फिर उसके लिए फीस सबमिट करवाई जाती है। उसके बाद जो है आपका कहीं जाके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म की बारी आती है, जब एमयू को ये पता चल जाता है कि उसने कितने स्टूडेंट्स ने रेगुलर में एडमिशन लिया है, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे इसमें 23 अक्टूबर दिखा रहा है कि इसमें आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें फोर्थ लिस्ट आ जाए। तो एक लिस्ट अगर आती है आपकी फोर्थ लिस्ट, तो इसमें मान लीजिए 10 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन होगा, वापस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत निकल आता है तो वापस से सबमिट होगा, फिर उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर आपका फ़ी पेमेंट होगी। तो इन सब में हो सकता है कि एक लिस्ट के लिए भी 10 से 12 दिन आपको और वेट करना पड़ जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो अक्टूबर आपका पूरा जा सकता है और नवंबर का फर्स्ट वीक भी आपका जा सकता है, उसके बाद ही सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म की बारी आएगी। तो सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म जो है आपके नवंबर के सेकेंड वीक में आ सकते हैं। अगर एक डेट बताई जाए तो ये आपके 15 नवंबर तक आने के चांसेस हैं। अभी हम किस बेस पे कह रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि लास्ट ईयर कितना टाइम लगा था। सबसे पहले आप जो है काउंसलिंग शेड्यूल देखिए लास्ट ईयर का। अब देखिए, ये है शेड्यूल आपका 2021 का क्लास 11 का। इसमें जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो हो गई थी 19 नवंबर 2021 से, और ये सब पूरा इसमें जो है काउंसलिंग प्रोसेस चला था। इसमें बस आपका ये है कि इसमें 3 बार इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपके सबमिट करवाए थे, उस बार ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 1 बार डॉक्यूमेंट सबसे इन्होंने सबमिट करवाए थे, और फिर बाद में वेरीफाई करके फॉर्म लिस्ट सिर्फ निकाली थी और फीस पे करवाई थी। लेकिन इस बार हर बार जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के उनको वेरीफाई किया अलग अलग से, और ये सब आप देख सकते हैं। इसमें जो दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देखिए 11 दिसंबर को यहाँ पे जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हुआ था, उसके बाद फोर्थ लिस्ट आई थी, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा था, और ये आपका 20 से 22 दिसंबर तक पूरा जो है काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया था, क्लास 11th का लास्ट है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म कब आए थे, सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म के लिए आपको एमयू की वेबसाइट पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है 5 जनवरी का यहाँ पे एक नोटिस लिंक आ रहा है एमयू ने, कि आपका जो है ये वाला देखेंगे सेल्फ फाइनेंस के लिए नोटिफिकेशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम क्लास 11, ये आपको 5 जनवरी 2021 का है, और इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए 1 जनवरी 2021 को फॉर्म आए थे। यानी काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपका ख़त्म हुआ था 20 दिसंबर को मान लेते हैं, और उसके 10 दिन के बाद आपका जो है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आए थे। तो उसी तरीके से इस बार भी अगर नवंबर के मान लीजिए फर्स्ट वीक में 5 नवंबर तक आपका पूरा काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो 15 नवंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये आप खुद भी एमयू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है एमयू कंट्रोल की वेबसाइट पे, उस पर आप नोटिस में जाएंगे तो यहाँ पे आप 5 जनवरी को देखिएगा, तो यहाँ पे 2 नोटिस आए थे, एक 1 जनवरी को इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए और 5 जनवरी को एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। तो ये दोनों जो है सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म थे, इतना ही टाइम लगा था। तो हमारा जो एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दें तो 15 नवंबर तक आपके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आ सकते हैं। हो सकता है कि ये पहले भी आ जाए थोड़ा, या हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन इसके आस ही पास आपके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आ जाएंगे। इसको ओपन भी करके दिखा दें तो यहाँ पे 5 जनवरी को एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए फॉर्म निकाले गए थे, और लास्ट डेट क्या थी, लास्ट डेट यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, ये देखिए 11 जनवरी 2022, ये आपका जो है इसमें लास्ट डेट दी थी फॉर्म फिल करने की। तो इसमें आपको जो है पूरा 1 वीक के आसपास मिलता है इसमें फॉर्म फिल करना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म में आपको अपना फ़ी पे करनी होती है एक तरीके से, बाकी सब आपकी डिटेल्स एमयू के पास होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 1 वीक में आपको ये सब करना होता है। तो इस बार जब भी फॉर्म आएंगे आपको जो है 1 वीक के आसपास ही मिलेगा, 10 डेज़ के आसपास जब आपको फॉर्म फिल करना होगा। और कोई अपडेट अगर सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग आती है तो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आपका कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अगर काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर सेल्फ फाइनेंस के बारे में ही कुछ पूछना है तो आप लोग जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं।